दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे नए आविष्कारों की जानकारी लेकर जिनके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को इस पहले आविष्कार के साथ। वेलक्स कैबरियो। दोस्तों अगर आपके घरों में बालकनी के लिए जगह नहीं है लेकिन आप फिर भी बालकनी का मजा लेना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके की आविष्कार को। ये सिंगल आविष्कार आपकी घरों में एक बालकनी और खिड़की दोनों का काम करेगी। इसमें ट्रांसपेरेंट शीशे लगे होते हैं और वो भी ऐसा जो सूर्य प्रकाश में मौजूद पराबैंगनी किरणों को बाहर ही रोक देती है और बाकी सभी किरणों को अंदर आने देती है, जिससे आपके घरों में उजाला भी बनी रहती है और आप स्वस्थ भी रहते हैं। और वहीं जब भी आप चाहे इसे एक छोटे से बालकनी में बदल कर बाहरी मौसम का मजे ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल है। जेट शार्क। दोस्तों शार्क एक ऐसी जीव है जिससे न केवल जलीय जीव ही बल्कि इंसान भी डरता है, लेकिन आज मैं आपको इसी शार्क के पेट में बैठाकर पूरे समुद्र की सैर कराने वाला हूँ। डरिए मत, ये कोई असली शार्क नहीं है बल्कि डिटो शार्क की तरह ही बनाई गई एक वाहन है जिसे खास करके समुद्र में सैर करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार इसके अंदर बैठ जाने के बाद यात्री को ऐसा लगता है जैसे मानो वह शार्क के अंदर ही बैठा है, और फिर उसके बाद यात्री जैसे चाहे वैसे इसे पानी के अंदर और बाहर उड़ा कूदा सकता है। सैमसंग फ्लेक्स हाइब्रिड। दोस्तों एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई फोन देखा है जिसे आप जैसे चाहे वैसे तोड़ मरोड़ सके? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। हाल ही में सैमसंग ने एक ऐसा फोल्डेबल टैब लॉन्च किया है जिसे आप अपनी मर्जी अनुसार मोड़ कर एक फोन बना सकते हैं, साइड से खींच कर एक स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं और एक ही स्क्रीन को मोड़ कर कई अलग अलग स्क्रीन बना सकते हैं, और फिर अगर आप चाहें तो इन सभी स्क्रीन में एक ही साथ अलग अलग टैब ओपन भी कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको फोन की जरूरत हो इसे फोन बना लीजिए और टैब की जरूरत हो इसे वापस फोल्ड करके टैब बना लीजिए। पोर्टल्स ORG। दोस्तों आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, अगर हमें अपने किसी रिश्तेदार से बात करना हो या उसे देखना हो तो हम उसे फोन से वीडियो कॉल में आसानी से देख लेते हैं या उससे बातें कर लेते हैं। लेकिन अब इसी बीच पुर्तगाल ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जो दो प्रदेशों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। इस सिस्टम को दो शहरों के बीच सार्वजनिक जगहों पर लगाया जाएगा, उसके बाद दोनों शहरों के लोग एक दूसरे से पूरे हाव भाव के साथ लाइव बातें कर पाएंगे, और इसमें कोई टाइमिंग वगैरह का लिमिट्स भी नहीं होगा, यानी कि यह 24 घंटा ओपन रहेगा। बस जब भी आपको अपने परिवार की याद आए इसके सामने आकर खड़े हो जाइए, उसके बाद ये सिस्टम आपके बीच की मीलों कोस की दूरी को चंद मिनटों में मिटा देगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका कोई अपना आपके पास ही है। टनल सोलर। दोस्तों ऐसे तो हम अपने घरों में रोशनी के लिए LED बल्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कि देखा जाए तो रात के लिए तो सही है, लेकिन हम दिन में भी केवल कमरे में उजाला बनी रहे इसके लिए भी बल्ब जलाते हैं, जिससे बिजली तो वेस्ट होती ही है साथ ही साथ बिल भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप चाहे तो आपके घरों में एक ऐसा उपकरण लग सकता है जो बिना बिजली का इस्तेमाल किए घरों में उजाला बनाए रखेगी। इसके लिए बस केवल आपको इस गैजेट्स को अपने छत पर इंस्टॉल करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। उसके बाद इसमें लगा रिफ्लेक्टर सूर्य प्रकाश को सीधे आपके घरों तक पहुंचा देगी, जिससे आपको घर में भी हमेशा ताजी रोशनी मिलते रहेगी, और जब ये लाइट्स आपके कमरे तक आएगी तब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कोई टनल वगैरह लगवाया है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई LED बल्ब ही जला रखा है। सिप्टॉल म्यूटॉक। दोस्तों अगर आपको जोर जोर से बातें करने की आदत है या फिर गेमिंग के दौरान अगर आप भी फ्लो फ्लो में जोर से बोलने लगते हैं तो ये आविष्कार आपको चुप कराने में काफी मदद करेगा। इस आविष्कार का सीन कुछ मास्क की तरह ही होता है, बस जब भी आप गेमिंग करने जाए इसे अपने मुंह पर पहन ले, उसके बाद आप कितना भी जोर से बोले चिल्लाए
ये आविष्कार आपकी आवाज को जरा सा भी बाहर नहीं आने देगा, यानी कि ये आपकी आवाज को पूरी तरह से म्यूट कर देगा, जिससे आपके आसपास के लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। सेकीजू, दोस्तों गोदामों से किसी भी भारी भरकम सामानों को उठाकर इधर उधर ले जाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और गोदाम में उतना जगह भी नहीं होता है कि किसी भी भारी भरकम मशीन को घुसाकर काम कर लिया जाए। लेकिन अब जरा आप इस मशीन को देखिए और साथ ही एक नजर इसके पहिए पर भी डालिए। ये मशीन एक जगह पर खड़े होकर पूरे 360 डिग्री तक घूम सकता है और 50 टन तक के वजन को उठाकर किसी भी संकरे जगह से भी गुजर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसे घुमाने और आगे पीछे करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। इसमें लगे खास पहिए के कारण ये किसी भी दिशा में सरक सकता है और इजिली चल भी सकता है। ट्रैफिक स्टॉप रोबोट। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब कोई अपराधी कार में छुपकर भाग रहा होता है, और ऐसे में यदि कोई पुलिसकर्मी जांच पड़ताल के लिए उसके पास जाता है तो वह उसे हाथापाई करने लगता है और कई बार तो गोली वगैरह भी चला देता है, जिससे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए हमेशा जान का खतरा बना रहता है। तो इसी खतरा को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है इस रोबोट को। ये रोबोट ना तो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा और ना ही कोई व्यक्ति इसे चोट पहुंचा पाएगा, क्योंकि इसमें काफी एडवांस लेवल का AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जिस भी कार को चेक करना होगा उस कार के पास ये रोबोट जाएगा और फिर पुलिसकर्मी इसमें लगे कैमरे की मदद से एक निश्चित दूरी बना करके इससे पूछताछ कर पाएगा, जिससे ये होगा कि चेकिंग के दौरान होने वाली घटनाएं नहीं होगी। ऑल मैग मूवेक्स। दोस्तों अगर आपको एक 10 क्विंटल वाली वस्तु को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को कहा जाए तो ये काम आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस सुपर टूल के लिए ये काम मानो चुटकियों का है। यह एक ऐसा छोटा सा इलेक्ट्रिक मशीन होता है जिसे बस आपको जिस भी वस्तु को खींचकर ले जाना होता है उससे अटैच कर देना होता है। उसके बाद ये टूल कितना भी भारी वस्तु को बड़े ही आसानी से खींच कर ले जाती है, और इंसान का काम केवल इसमें इतना होता है कि केवल इसे दिशा दिखाने के लिए इसके हैंडल को पकड़ना होता है और इसके आगे आगे चलना होता है, बस इतना ही। इसके बाद का सारा काम ये मशीन खुद देख लेती है। सी सीड। दोस्तों अगर आप भी उनमें से एक हैं जो शौक नबाबों वाले रखते हैं तो ये आविष्कार आपको जरूर पसंद आएगा। यह घरों के बाहर के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बेहतरीन टीवी है, जो आपको थिएटर वाला फील घर पे ही दे सकता है। इस टीवी की सबसे खास बात तो ये होती है कि यह फोल्डेबल होती है और ये केवल आपके एक बटन क्लिक से 25 सेकेंड के भीतर खुल जाती है और पूरी तरह से तैनात हो जाती है, और फिर आप दिन में भी इससे सभी चीजों को एकदम क्लियर कट देख सकते हैं। और इस्तेमाल के बाद जब इसे बंद करना हो तब फिर एक रिमोट से एक बटन दबाएं, उसके बाद ये खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगी और जमीन के अंदर वापस चली जाएगी। है ना दोस्तों कमाल का टेक्नोलॉजी। विजन वीटोल क्वाडकॉप्टर। दोस्तों आज के समय में अगर किसी इंसान को छोटी मोटी दूरी तय करना हो तो वह बाइक या कार वगैरह का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन दोस्तों अब वह समय दूर नहीं है जब इंसान इन छोटी मोटी दूरियों के लिए भी कुछ इस तरीके के विमान का इस्तेमाल करेगा। ये विमान किसी भी जगह से लंबवत उड़ान भर सकता है और उतर भी सकता है। फिलहाल तो अभी इसमें केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था होती है, मगर भविष्य में इसे बड़ा करके 4 से 6 लोगों के लिए भी उपयोगी बनाया जाएगा, और फिर इंसान अपनी मर्जी अनुसार जब चाहे तब कहीं भी उड़ान भरकर जा पाएगा। ये विमान पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी और इसका रेंज मैक्सिमम 4 घंटे की होगी, और आप इससे न केवल छोटी दूरियों को ही तय कर पाएंगे बल्कि अगर आप चाहे तो इससे बड़े दूरी को भी बड़े ही आसानी से तय कर सकते हैं। फिक्सर 007। दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग चीजों को ऑनलाइन ही खरीदना पसंद करता है क्योंकि इसमें बिना कोई परेशानी के सामान उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ एक दिक्कत ये होती है कि सामानों के लिए कस्टमर को कम से कम 1 दिन तो रुकना ही पड़ता है।
तो अब इसी काम को तेजी से निपटाने के लिए डिजाइन किया गया है इस ड्रोन को, जो किसी भी एरिया में डिलीवरी कार्य करने में सक्षम होगा, फिर चाहे वह एरिया घना जंगल ही क्यों ना हो। ये ड्रोन पूरी तरह से स्वचालित होती है और यह मैक्सिमम 10 केजी के वजन को लेकर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगभग 150 किलोमीटर की एरिया में पार्सल को डिलीवर करने का काम कर सकता है। और ये ना केवल पार्सल को ही डिलीवर करने का काम करेगा, बल्कि अगर किसी पर नजर रखना हो या फिर आसमान से फोटो शूट करना हो तो ये काम भी ये ड्रोन बखूबी निभाएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा आविष्कार आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।